नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो न्यायवाक भाग दो लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने न्यायवाक भाग एक आपके सामने प्रस्तुत किया था, अगर जिन दोस्तों ने उस भाग को नहीं देखा उसको आप देख ले तो अच्छा होगा। लेकिन यदि आप न्यायवाक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो भाग एक देखने की कोई खास जरूरत नहीं है, भाग दो को हम देख सकते हैं। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो न्यायवाक के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैंने यह वीडियो यह सोचकर बनाया है क्योंकि मेरे वीडियो को कुछ कमजोर छात्र भी देखते हैं जो न्यायवाक्य को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते। इसलिए मैं बहुत ही विस्तार से और समझाकर इस वीडियो को लंबा दे दूंगा। इसलिए आप बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही पेशेंस के साथ आप मेरे वीडियो को देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। दोस्तों कथन में ज्यादातर परीक्षाओं में दो कथन और दो निष्कर्ष दिए गए रहते हैं, लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी भी है जिसमें तीन या चार कथन होते हैं और तीन और चार निष्कर्ष भी दिए गए रहते हैं। यहाँ पहले मैं दो कथन के बारे में बताऊंगा और अपने अगले वीडियो में मैं तीन या चार कथन वाले प्रश्नों को लूंगा। यहाँ पर मैंने दो कथन लिया और पांच निष्कर्ष ले लिया ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। तो पहला कथन है, सभी लड़के डॉक्टर हैं। तो मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में, जो ही कहे सभी आपको ऐसा चित्र कुएं वाला बना लेना है। और सभी के साथ जो जुड़ा शब्द है उसको भीतर वाले गोले में रखना है। मैंने हमेशा बताया जो ही कहे जाए सभी, तो ऐसा चित्र बनाना है और भीतर वाले गोले में सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द लिख लेना है। तो हम लोग लड़के इसमें लिख लेंगे और बाहर वाले गोले में बचा हुआ शब्द लिख लेते हैं, यानी कि डॉक्टर। अब कथन एक कार्य मैंने बना लिया। अब कथन दो कार्य, मैंने पहले वीडियो में केवल सिंगल कथन यानी एक कथन को कैसा चित्र बनाया, एक कथन वाले प्रश्नों को कैसे बनारेख बनाती है ये बताया था, और इस वीडियो में मैं दो कथन के आरेख संयुक्त रूप से कैसे बनाए जाते हैं ये भी बताऊंगा और उसका निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है ये भी बताऊंगा। अब दूसरा कथन का आरेख हम बनाने जा रहे हैं, सभी डॉक्टर रोगी हैं, फिर सभी कर रहा है इसलिए फिर ऐसा चित्र बन जाएगा और भीतर वाले में सभी वाला शब्द लिख लेंगे यानी कि डॉक्टर, और बाहर वाले में जो बच गया शब्द वो लिख लेंगे। ये मैं वो तरीका बता रहा हूं जो लोग चित्र नहीं बना पाते, क्योंकि 60% समस्या उनकी साल हो जाती है जो कथन का चित्र सही सही यानी वेनारेक बना लेते हैं। अगर आप वेनारेक सही सही बना लिए तो निष्कर्ष निकालना 40% ही काम है। तो कुछ लोग जो एक साथ संयुक्त आरेख नहीं बना पाते उनके लिए तरीका यह है कि सबसे पहले आप दोनों कथनों का अलग अलग आरेख वेनारेक बना लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं परीक्षा में भी आपको ऐसा ही करना है, यह सीखने के लिए शुरुआत में है। जब आप सीख जाएंगे तो आप दोनों कथनों का संयुक्त आरेख एक साथ भी बहुत ही आसानी से और कम समय में बना पाएंगे, उसका तरीका भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अब दोनों कथनों का अलग अलग वेनारेख बनाना मैंने पहले वीडियो में भी बताया था और फिर से बता रहा हूं और बहुत ही आसान है। अब दोनों कथनों को जोड़ने का तरीका या दोनों कथनों का संयुक्त आरेख यही आपको सीखना है। तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि पहले वाले चित्र को देख देख के हूबहू ऐसे ही उतार लेना है, यानी ऐसे, यानी भीतर वाले में लड़के और बाहर वाले वृत्त में डॉक्टर, बस देख देख के उतार लेना है। यानी ये वाला चित्र आपका इसमें आ चुका है, ये कंप्लीट हो गया। अब इस चित्र में या इस चित्र में कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें नहीं है उसको हमको इसमें रखना है। इस चित्र को तो हमने उतार लिया, अब इसमें क्या ऐसा है जो इसमें नहीं है, डॉक्टर इसमें है, रोगी इसमें नहीं है, यानी रोगी ही ऐसा है जो इस चित्र में डाल देंगे तो ये चित्र पूरा हो जाएगा। तो जिसको इसमें रखना है उसी से पूछिए वो कहां रहने का शौकीन है। रोगी कहां रह रहा है, तो डॉक्टर के घर के बाहर एक वृत्त बना के रोगी रह रहा है। जिसको इसमें डालना रहे उसी से पूछिए कहां रहेगा। तो रोगी को हमको इसमें डालना है तो रोगी कहां रह रहा है, तो डॉक्टर वाले वृत्त के बाहर एक वृत्त बना के रोगी रह रहा है। तो डॉक्टर का वृत्त ये है, तो डॉक्टर वाले वृत्त के बाहर रोगी रह रहा है इसलिए डॉक्टर वाले वृत्त के बाहर हम रोगी ऐसे बना के लिख देंगे। अब जो लोग डायरेक्ट संयुक्त वेनारेख बनाना चाहते हैं उनके लिए तरीका मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, वो ऐसे करेंगे। सबसे पहले पहला ये तो पता ही है कि कैसा हूं प्रश्न है, एक वृत्त तो बनता ही है सभी प्रश्नों में। तो पहला ये बना के तैयार रखिए, एक वृत्त बना दीजिए, उसके बाद देखिए पहला शब्द उसमें लिख लिया करिए यानी कि लड़के। मैं बहुत आसान वाला तरीका बता रहा हूं, उसके बाद खुद ही आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे। लड़के पहला काम कि एक वृत्त बना लीजिए, कोई भी प्रश्न है कोई भी कथन है, क्योंकि एक वृत्त तो बनना ही बनना है सभी प्रश्नों में, और पहला शब्द जो भी रहे उसको उसमें लिख लेना है। अब इसमें कह रहा है कि सभी लड़के डॉक्टर हैं,
कह रहा है सभी लड़के डॉक्टर है तो सभी लड़कों को घेर देंगे डॉक्टर से। अगर यही कहता है कुछ लड़के डॉक्टर है तो कुछ लड़कों को घेर देते डॉक्टर से। यही कहता है कोई लड़का डॉक्टर नहीं है तो कोई लड़का डॉक्टर नहीं ऐसे बना देते, जैसा कि मैंने ये ट्रिक में बताया है। तो चूंकि यहां पे कह रहे सभी लड़के डॉक्टर इसलिए सभी लड़कों को घेर देंगे डॉक्टर नामक वृत्त से। फिर उसके बाद अगला कथन पढ़ते हैं, सभी डॉक्टर रोगी है, यानी जितने डॉक्टर है सब के सब रोगी है, तो सभी डॉक्टर रोगी है तो डॉक्टर वाला वृत्त यह है, तो सभी डॉक्टर को घेर देंगे रोगी नामक वृत्त से। और एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग लड़के यहां लिखते हैं, डॉक्टर यहां लिखते हैं, रोगी यहां लिखते हैं, तो ऐसे लिखने से उन्हें समझ में नहीं आ पाएगा कि कौन भीतर है कौन बाहर है, और प्रश्न हल करते समय उन्हें समय ज्यादा लगेगा और वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए क्रम से बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा, सबसे भीतर ये है, उसके बाहर ये है, उसके बाहर ये है, तो इस क्रम से लिखेंगे तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में आसानी रहेगी, क्योंकि यही छोटे छोटे जो काम है आपको प्रश्न को आसान और तेज बनाते हैं। अब असली काम, एक काम आप सीख चुके, संयुक्त तारीख कैसे बनाते हैं। तो संयुक्त तारीख बनाने का सबसे आसान तरीका जिसको नहीं आता उसके लिए ये है कि पहले कथन का अलग बेनारिक बनाइए, फिर दूसरे कथन का बेनारिक बनाइए, और फिर संयुक्त बेनारिक बनाना ही खास बात है। तो संयुक्त बेनारिक बनाने के लिए पहले कथन का जो बेनारिक है उसको उतार लीजिए, फिर दूसरे कथन का जो बेनारिक है उसमें जो शब्द नहीं है उसको उसमें डाल के संयुक्त बेनारिक बना लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसी प्रक्रिया से चल रहा है क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति कोई काम सीखता है तो शुरू में जैसे साइकिल ही चलाना सीख रहा है तो धीरे धीरे चलाएगा, ये नहीं कि पहले ही तुरंत तेजी से चलाना शुरू कर देगा और गिर के अपना शरीर फोड़ लेगा। तो पहले धीरे धीरे चलना सीखे, जब चलाना सीख जाएंगे आप तेजी से खुद ब खुद चलाने लगेंगे। उसी तरह से मैं ये प्रारंभिक तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद खुद ब खुद ऐसे तरीके आपके सामने आ जाएंगे जो आपकी स्पीड को बढ़ा देंगे। तो भाई निष्कर्ष निकालना सीखते हैं जो कि दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, पहला महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों ने पूरा कर लिया जो कि संयुक्त बेनारिक बनाना है। अब दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है निष्कर्ष निकालना। इसको मैं दो तरीकों से बताऊंगा, तीर ट्रिक से और टिक ट्रिक से। तो आइए देखते हैं कैसे। कुछ लड़के डॉक्टर है, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि वृत्त के भीतर वृत्त यानी कुएं वाला चित्र है, तो भीतर वाले को हम लोग कहते हैं सभी और बाहर वाले को कहते हैं कुछ। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा वो रट ले, पहले वीडियो में मैंने समझाया भी था कि क्यों कुछ कहते हैं बाहर वाले को और भीतर वाले को सभी क्यों कहते हैं, या जिसको नहीं समझ में आ रहा वो रट भी है कि भीतर वाले को सभी बाहर वाले को कुछ कहते हैं। तो अगर इन दोनों की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं लड़के और डॉक्टर की अगर तुलना किया जाए तो इस समय लड़का भीतर है डॉक्टर बाहर है, तो कह सकते हैं तो भीतर वाला हमेशा सभी पढ़ना है, तो भीतर वाला शब्द पढ़ने से पहले आपको सभी बोलना पड़ेगा और बाहर वाला शब्द पढ़ने से पहले आपको कुछ बोलना पड़ेगा। जैसे इन दो शब्दों में तुलना किया जाए तो कहना पड़ेगा सभी और उसके बाद बोलेंगे लड़के डॉक्टर है, या अगर इन दोनों की तुलना हो रही तो अब कह सकते हैं कि इन दोनों में तुलना अगर किया जाए तो ये वाला वृत्त भीतर है ये वाला बाहर है, तो भीतर वाले वृत्त को हम लोग सभी पढ़ते हैं इसलिए पढ़ेंगे सभी डॉक्टर रोगी है, या इन दोनों की बात किया जाए लड़के और रोगी की तो कौन भीतर है तो लड़के भीतर है, तो यानी हम लड़के को कहेंगे सभी लड़के रोगी हैं। अब अगर हमको कुछ पढ़ना होगा तो अगर इन दोनों में हम लोग को पढ़ना है तो बाहर वाले वृत्त को हम कुछ पढ़ते हैं तो कुछ उसके बाद हम बोलेंगे डॉक्टर लड़के हैं, या इन दोनों की बात किया जाए तो कौन बाहर है तो रोगी बाहर है, तो बाहर वाले को हम कुछ पढ़ेंगे कुछ रोगी डॉक्टर है, या अगर इन दोनों को पढ़ना होगा तो कुछ रोगी लड़के हैं, यानी इतने ढेर सारे निष्कर्ष से निकलते हैं। तो आइए हम प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कुछ भी कह रहा है लेकिन बात किसकी किसकी है, लड़के की और डॉक्टर की, तो टिक विधि से हम देखते हैं। बात कर रहा है डॉक्टर की और लड़के की, तो डॉक्टर को हम लोग टिक कर लिए और लड़के को, और बाकी कुछ नहीं, रोगी को नहीं देखना कुछ देर के लिए, डॉक्टर की और लड़के की। तो चूंकि लड़का भीतर है तो इसको सभी पढ़ना चाहिए, इसको डॉक्टर को कुछ पढ़ना चाहिए, तो ये क्या कर रहा है कुछ लड़के डॉक्टर है, तो ये लड़की को क्या कर रहा है कुछ, जबकि लड़के को कहना है सभी, इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। एक तरीका तीर वाला ट्रिक देखिए, बहुत ही आसान है। देखिए
अब तीर वाले तरीके से देखिए, जो काफी लोगों द्वारा बताया जाता है, मैं भी बता रहा हूं कुछ और तरीके से। आप जब ऐसे पेन चलाएंगे, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं, कुछ लड़के डॉक्टर है तो ऐसे ही पढ़ते हैं, यानी इधर से इधर पढ़ते हैं, बाएं से दाएं पढ़ते हैं। तो बाएं से दाएं पढ़ने पर, यानी बाएं से दाएं पढ़ने पर बस ऐसे तीर बना दीजिए ऐसे खींच के। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लड़के पढ़ा, उसके बाद डॉक्टर पढ़ा। सबसे पहले हमने लड़के पढ़ा, उसके बाद डॉक्टर पढ़ा। तो लड़के से डॉक्टर की तरफ तीर बना लीजिए। जब हम पढ़ेंगे कुछ लड़के डॉक्टर हैं, तो पहले हमने डॉक्टर पढ़ा, उसके बाद लड़के पढ़ा, उसके बाद डॉक्टर पढ़ा। तो यानी कि लड़के से डॉक्टर की तरफ तीर बना लीजिए। तो लड़के से डॉक्टर की तरफ हमने तीर बना लिया। और इसमें फंडा यह होता है कि आप लोग जैसा कि जानते भी होंगे कि बड़े गोले की तरफ बढ़ने का मतलब होता है सभी। यानी जब भी आप बड़े गोले की तरफ बढ़ेंगे, बड़े वृत्त की तरफ बढ़ेंगे, तो पोंछ पे आपको जो भी शब्द लिखा होगा उससे पहले सभी बोल के आगे बढ़ना पड़ेगा। आसान भी है समझना, बड़ा का मतलब ही होता है सभी, और बड़ा का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब सभी, और छोटे का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा यानी कुछ। यानी जब बड़े गोले की तरफ पढ़ेंगे तो सभी बोल देंगे, और छोटे गोले की तरफ पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ भी बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, जो कि आसान भी है समझना। तो तीर लड़के से डॉक्टर की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी लड़का पहले आए डॉक्टर बाद में, इसलिए हम लोग लड़का पहले और डॉक्टर बाद में की तरफ तीर चला दिए। तो ये पता चल रहा है कि हम लोग छोटे वृत्त से बड़े वृत्त की तरफ पढ़ रहे हैं। बड़े वृत्त की तरफ पढ़ेंगे तो कोई भी शब्द बोलने से पहले आपको सभी शब्द का इस्तेमाल करना है, यानी सभी लड़के डॉक्टर है। और यदि हम बड़े वृत्त से छोटे वृत्त की तरफ पढ़ते हैं तो समझना भी आसान है कि बड़े वृत्त से हम छोटे वृत्त की तरफ जा रहे हैं, यानी पूंछ पर इसके, यानी जो शब्द होगा उसको बोलने से पहले आप कुछ बोल के घर में घुसेंगे, और बाहर निकल रहा है बड़े वृत्त की तरफ, तो पूंछ पे आपको सभी बोलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, सभी और कुछ वाली अवधारणा। तो तीर वाले तरीके से जब हमने चेक किया लड़के से डॉक्टर की तरफ जाके, तो हमें पता चला कि हम बड़े गोले की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सभी लड़के डॉक्टर होना चाहिए, जबकि एक और कुछ लड़के डॉक्टर है, इसलिए गलत है। अब कुछ डॉक्टर रोगी है, तो डॉक्टर से रोगी की तरफ तीर बढ़ रहा है, यानी पहला शब्द हम डॉक्टर पढ़े, उसके बाद रोगी, यानी कि डॉक्टर से रोगी की तरफ तीर बना दीजिए। देखिए डॉक्टर फिर रोगी बोले, इसलिए डॉक्टर से रोगी की तरफ तीर बन गया। यानी ये पता चल रहा है कि छोटे गोले से बड़े की तरफ बढ़ रहा है, बड़े की तरफ हमारा तीर आगे बढ़ रहा है, यानी कि हमको पोंछ पे सभी बोलना चाहिए, यानी कि सभी डॉक्टर रोगी हैं। और ये क्या कह रहा है कि कुछ डॉक्टर रोगी हैं, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि सभी वाले में कुछ वाला भी निष्कर्ष निकलता है, लेकिन मेरे हिसाब से सभी वाले में कुछ वाला निष्कर्ष इससे नहीं निकालना चाहिए। ये कुछ विवादित है, इस पर मैं कंफ्यूजन बाद में दूर करूंगा। फिलहाल मैं 95% पर अपना ध्यान क्लियर कर रहा हूं, जो 5% कंफ्यूजन वाले हैं मैं उसको लास्ट में फिर से लूंगा। कुछ रोगी लड़के, यानी पहले हम रोगी बोले फिर लड़के बोले, तो रोगी से लड़के की तरफ हमने तीर बना दिया। ये एकदम बिल्कुल नए तरीके से बता रहा हूं, कई लोगों ने बताया भीतर बाहर जाना, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट निष्कर्ष को भी सिद्ध कर दे रहा हूं बाहर भीतर जाने वाले तरीके पर। रोगी पहले हम लोग पढ़े, उसके बाद लड़के पढ़े, यानी कि रोगी से लड़के की तरफ तीर बनाना है, रोगी से लड़के। तो ये तीर बनाते आपको समझ में आ जाएगा कि हम छोटे गोले की तरफ आगे, छोटे वृत्त की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमें पोंछ पे जो शब्द लिखा है उसको बोलने से पहले क्या बोलना पड़ेगा, कुछ, यानी कुछ, और फिर पोंछ वाला शब्द, और फिर पेट वाला शब्द नहीं बोलना है, पोंछ वाला शब्द और मुंह वाला शब्द, या मुंह वाला शब्द और पोंछ वाला शब्द, बस यही बोलना है। तो पोंछ वाला शब्द बोलने से पहले आपको बोलना पड़ेगा कुछ रोगी, और फिर मुंह वाला शब्द बोल देंगे, यानी लड़के हैं, कुछ रोगी लड़के हैं। तो क्या यही है, कुछ रोगी लड़के हैं, हाँ यही है, यानी निष्कर्ष सही है। फिर रोगी से डॉक्टर की तरफ बढ़ना है, रोगी से डॉक्टर की तरफ, यानी छोटे गोले की तरफ, यानी पोंछ में हमको कुछ बोलना चाहिए, कुछ रोगी डॉक्टर है, तो कुछ रोगी डॉक्टर यही कह रहा है, इसलिए सही है। लड़के से रोगी की तरफ बढ़ना है, लड़के से रोगी की तरफ, तो क्या बोलना चाहिए, चूंकि हम लोग बड़े गोले की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी सभी लड़के रोगी हैं, सभी लड़के रोगी, यही कह भी रहा है, इसलिए यानी सही है। कुछ रोगी लड़के नहीं है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, रोगी बोल रहा है उसके बाद लड़के बोल रहा है, रोगी और लड़के, यानी कि छोटे वृत्त की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी बोलना चाहिए कुछ, तो ये बोल भी रहा है कुछ, यानी आप यहां पर निष्कर्ष निकलेगा कुछ रोगी लड़के हैं, लेकिन यह कह रहा है कुछ रोगी लड़के नहीं है, इसके बावजूद भी ये सही है। क्यों, पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर कोई कहे कि यहां बैठे कुछ लोग ईमानदार हैं,
तो इसका मतलब यही हुआ यहां बैठे कुछ लोग ईमानदार नहीं है। उसी तरीके से अगर कहा जाए कि कुछ रोगी लड़के हैं, इसका मतलब ही छुपा हुआ है कि कुछ रोगी लड़के नहीं है, इसलिए ये वाला निष्कर्ष सही है और इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। देखिए अब इसकी बात नहीं, इसलिए इसको मिटा दिए। देखिए रोगी का केवल कुछ ही भाग, रोगी तो इतने हैं, रोगी का घर इतना है, लेकिन रोगी के घर का बस इतना ही भाग लड़के हैं, केवल इतना ही भाग, यानी बाकी जो इधर वाला भाग है वो लड़के नहीं है। यानी कुछ रोगी ऐसे हैं जो केवल रोगी हैं, लड़के नहीं है, यानी कुछ रोगी लड़के नहीं है, इसलिए ये वाला निष्कर्ष भी सही साबित होता है। तो दोस्तों मैं और भी कुछ कथन और निष्कर्ष लूंगा ताकि आपको, क्योंकि इसमें कई तरीके के चित्र बनते हैं और सारे चित्र, कम से कम 4 या 5 टाइप के चित्र बनते हैं, वो सारे चित्र मैं आपको एकदम रटा दूंगा और फीड करा दूंगा ताकि आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न परेशान और गलत होने की संभावना समाप्त हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपके काम आया या नहीं आया।